हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? तो अभी देखिए, मैं मॉर्निंग के कामों में लग गई हूँ, जैसा कि झाड़ू पोछा हो गया है मेरा। बच्चे स्कूल चले गए हैं, उनका एग्ज़ाम टाइम चल रहा है इस समय, और अभी हस्बैंड भी सो के उठे थे, तो उन्हीं का मतलब बेड मैं सही कर रही थी। तो ये बिलबेट का चद्दर है ना, इसकी वजह से ये हमेशा आप दिन में बैठे, मतलब आप बैठने भी जाओगे ना तो भी ये जो चद्दर है ना, ये मुड़ जाता है। तो इसको वही मैं चारों तरफ से गद्दे के अंदर फोल्ड कर दे रही थी कि हो सकता है कि गद्दे के अंदर जाने से इतना ज़्यादा मतलब ये ख़राब ना हो, पर देखिए क्या होता है। अभी मैं इसको सेट कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँगी। हम लेडीज़ लोग के जो बाल झड़ते हैं ना, तो हमारे यहाँ उससे आप कुछ ले सकते हो, जैसे प्लास्टिक का आइटम, टब, जाली, मतलब सब्जियाँ रखने के लिए छोटे मोटे आइटम आप ले सकते हो। पर इस बार मेरा बहुत ज़्यादा बाल मतलब झड़ा था, तो मतलब नवंबर से ही मतलब इकट्ठा कर रही थी, तो आज आया था मतलब ये बाल वाला, तो इतना बड़ा टब मुझे मिला है और ये फ्री का, मैंने पैसे मतलब नहीं लगाए इसमें। और ये दिखा रही हूँ कि कपड़े फोल्ड करने को अभी रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। और मैं भी अभी ठीक हूँ, पर मेरी स्वेलिंग जो है वो जा नहीं रही है। आप देख सकते हो मेरा फेस कितना बड़ा लग रहा है। क्या तो वो एटीएम से नहीं निकालेंगे क्या? नहीं निकाला, बैंक में एटीएम। अच्छा, ले पेन लाई बना दे। तो अभी हस्बैंड जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से लेने। हाँ हाँ, रख दीजिए, यहाँ पे खा लेंगे। एक घंटा के बाद खाना है, वो दवाई खाने से पहले एक घंटा पहले या एक घंटा बाद? वो दवाई खाए भी आधा घंटा हो गया है। तो अभी हस्बैंड जा रहे हैं बच्चों को स्कूल से लाने के लिए, और बच्चों का पेपर चल रहा है तो इसलिए 11 बजे ही उनकी छुट्टी हो जा रही है, 8 बजे से 11 बजे तक। तो 11:05 हो रहा है और बस जाएंगे, लेके आ जाएंगे बच्चों को। तो और मैं जाऊंगी किचन में, आज बनाऊंगी निमोना। सोच रही हूँ निमोना दाल से बना दूँ और चावल रोटी और कुछ नहीं। तो अभी ही मैंने मटर जो है भुनने के लिए रख दिया है, तो मटर जब भून जाएगा तब उसके बाद से मैं सारी तैयारी करूंगी उसकी, और तब तक बच्चे भी आ जाएंगे, फिर उन लोग की तैयारी करानी होगी कि कल उनका शायद इंग्लिश है, तो उन लोग को इंग्लिश का तैयारी कराना होगा। तो अभी चलिए चलते हैं, पहले शायद दूध वाले आ गए हैं, दूध ले लेती हूँ, फिर उसके बाद से आ गए हैं क्या दूध वाले? और अभी हस्बैंड जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, क्योंकि इस समय बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मतलब 8 बजे उनका स्कूल स्टार्ट हो रहा है और 11 बजे तक बच्चों की छुट्टी हो जा रही है। तो वही सुबह सुबह ही जा रहे हैं, और दूध वाले भी आ गए थे तो मैंने दूध भी ले लिया है, तो उनसे कुछ बातें कर रही थी, फिर आ जाती हूँ मतलब रूम में। और कल का कपड़ा था ये, मैं लेकर आई थी, बस उसको फोल्ड करके रख नहीं पाई थी, क्योंकि मैं मतलब थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, तो इसलिए ये मैं छोड़ दी थी कि चलो कल करूँगी ये काम, मतलब बहुत जल्दी नहीं है, धीरे धीरे करूँगी, घर में ही है ना, होता रहेगा काम। तो वही अभी कपड़ा सारा फोल्ड करके मैं लगा दूँगी, और ये सबसे झंझट का काम है, लेकिन लगे हाथ कर लीजिए ना तो मतलब सेट भी हो जाता है, घर भी साफ़ सुथरा लगता है, वरना 2 से 3 दिन तक तो इधर उधर मतलब इधर से उधर करो, उधर से उधर करो। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ कि कपड़ा इधर से उधर हो, थोड़ा थोड़ा डेली का रहता है, फोल्ड करके लगा लेती हूँ। कपड़ा फोल्ड हो जाने के बाद से मैं किचन में चली गई थी लंच बनाने के लिए, और आज मैं बना रही हूँ निमोना, मतलब निमोना चावल रोटी, और बिना आलू डाले, ऐसे ही मतलब दाल के जैसा मन कर रहा था कि आज बिना आलू के मतलब निमोना बनाऊँ। तभी देखिए मसाला मैंने पीस लिया है, और ये हरा मटर मैंने पहले से ही मतलब इसे भून के रखा था, तो इसे भी मैं पीस लूँगी, ज़्यादा पानी नहीं इसमें डालूँगी, बस आधा कप पानी डाल दूँगी और फिर इसको पीस लूँगी। तो ये देखिए ये भी पीस गया है, और इसे बहुत मतलब बहुत बारीक इसको नहीं पीसना है। और अभी मैंने कुकर चढ़ा दिया है, अब मैं इसमें डालूँगी सरसों का तेल, और मैं ज़्यादातर मतलब जो ग्रेवी वाली सब्जी होती है वो कुकर में ही बनाती हूँ, जल्दी से पक भी जाती है, समय भी कम लगता है, गैस भी बचत होता है। तभी देखिए तेल में मैंने डाल दिया है जीरा आधा चम्मच, जीरा जब मतलब गोल्डन ब्राउन हो गया है तो मैंने इसमें प्याज डाल दिया है, प्याज भी मेरी जब भून गई है तो मैंने इसमें डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च, और तुरंत ही मैंने डाल दिया है इसमें मसाला जो मैंने पीस के रखा था, नमक डाल दूंगी, हल्दी डाल दूंगी, और इस मसाले को पकने तक छोड़ दूंगी। और दूसरे साइड में जो मैंने मतलब मटर पीसा था उसे मैं दूसरे बर्तन में निकाल के, और इसमें मैं पानी जितना भी मुझे पानी चाहिए होगा पानी डाल दूंगी, और इसमें मैं हींग डाल दूंगी। हींग मैं तड़के के साथ नहीं डालती हूँ, क्योंकि तड़के के साथ हींग डालने से ना टेस्ट नहीं आता है। आप इस तरह से कभी हींग डाल के देखो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा।
तो अभी मैंने उसे साइड में रख दिया है। और मैं अभी भी मतलब जैसे कि टाइफाइड है मुझे, तो डॉक्टर बोले हैं कि पानी आप खौला के उसे ठंडा करके पीजिए, तो वही मैं अपने लिए डेली एक जग पानी गर्म कर लेती हूँ। जब वो ख़त्म होता है मतलब एक रख लेती हूँ फिर एक गर्म करके छोड़ देती हूँ, और जब तक मैं वो ख़त्म करती हूँ तब तक दूसरा ठंडा हो जाता है। तो इस तरह से मैं दिन भर मतलब इस तरह से पानी पीती हूँ। और हस्बैंड भी आ गए थे ब्रश करके, मतलब ब्रश तो वो बच्चों को लेने गए थे उसके पहले ही कर लिए थे, फिर उनका दोबारा मूड हो गया चाय पीने का, तो वही मैं चाय उनको दे रही हूँ और मैं भी ले लूँगी थोड़ा सा। वैसे मेरा मन तो नहीं कर रहा था, पर गर्मी का दिन आ गया है और अब मतलब चाय उतना अच्छा नहीं लगेगा, ठंड में तो खूब मैं पीती हूँ, तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही चाय लिया और उनको दे दिया है। और इधर सब्जी भी मेरी जो है मसाला जो है भून गया है मतलब निमोने का, तो इसमें मैंने जो निमोना पीस के रखा था यानी कि मटर पीस के रखा था वो डाल देती हूँ, और एवरेस्ट का मसाला मैं डाल देती हूँ और लिड लगा दूँगी। आलू वगैरह तो है नहीं, बस एक दो सीटी आने तक पका लूँगी, फिर मतलब निमोना तैयार है। और मेरे घर पे मसाला जो मैं हाथ से बनाती हूँ धनिया वगैरह खड़े मसाले का, वो ख़त्म हो गया है, मुझे बनाना है तो देखती हूँ मतलब बना लूँगी जल्द ही। आजकल मैं काम बहुत स्लो स्लो कर रही हूँ, मतलब कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ काम मुझे इतने टाइम में कर लेना है, कोई टाइमिंग ही नहीं रह गया है। काम मतलब कभी 12 बज जाता है, कभी 10 बजे ही खाली हो जाती हूँ, मतलब जैसा मुझे अच्छा लगता है उस हिसाब से मैं काम करती हूँ। बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाती नहीं हूँ, और थोड़े थोड़े बर्तन होते हैं तो मैं उसे, आपको पता ही है कि मैं उसे हमेशा क्लीन कर लेती हूँ, मैं सिंक में नहीं छोड़ती हूँ। और जब भी मैं बर्तन वाश करती हूँ तो दिन में एक से दो बार तो मैं पूरा सिंक एरिया और जो मेरे नल हैं वो सब नल वल सब मैं मतलब साफ़ कर लेती हूँ। इससे मतलब जो नल का मतलब एरिया है और नल है वो मतलब हमेशा क्लीन दिखता है, चमकता रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी भी मतलब अगर पानी का दाग मुझे दिख जाएगा ना तो मुझे टेंशन हो जाता है। और इस बार मैं होली का सफाई नहीं कर पाई हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा टेंशन है, ये हो रहा है कि कब मैं जल्दी से अच्छी से स्वस्थ हो जाऊँ और फिर मैं पूरे घर की क्लीनिंग करूँ। तो अभी देखिए मैं अपने नल का एरिया साफ़ कर लूँगी और नल भी साफ़ कर लूँगी, फिर चमचमाता नल आपको दिखाऊँगी। बहुत अच्छा लगता है जब सारा एरिया साफ़ रहता है नल, मतलब ऐसे आप छोड़ दोगे ना तो यहाँ पे पानी का दाग जो है ना वो पड़ जाएगा, और डेली अगर आप क्लीन करोगे तो कभी भी पानी का दाग आप नहीं पाओगे। तो इसी की वजह से मैं मतलब हमेशा ये सब एरिया साफ़ कर लेती हूँ, जैसा कि पानी का एरिया होता है वहाँ पर ज़्यादा सफाई का ध्यान देती हूँ। और बच्चे भी आ गए, पापा लेके नहीं गए क्या जाँच कराने? पापा जांच कराने लेके नहीं गए क्या तुमको? बोल तो रहे थे कि लाल पैथ ले जाएंगे आज। छवि को लाने क्या? छवि को लेने के बाद देखो पता नहीं कहाँ गए हैं अब। अभी आते हैं तब जाते हैं क्या? गेट बंद कर देना बाबू ना, गेट बंद करके। क्या एग्जाम कैसा गया? मैथ का पेपर कैसा गया? 3 घंटे में 26 क्वेश्चन करना, बस 19 ही कर पाया। मतलब तुमको बुरा ही है मैथ मेरा? सब बच्चे का छूटा है, बताइए 3 घंटे में कैसे सब कराते हैं? सब बच्चे कटन मत फेस पूछो, वो हरा वाला खींच दो तब। तो अभी ये भी आ गए हैं, मुझे लगा था कि ये गए हैं बच्चों को लेने के लिए सुबह में, पर ये बच्चों के मतलब बच्चों को बाद में लेने गए थे, पहले ये किसी काम से गए थे, फिर ये मतलब दोबारा गए बच्चों को लेकर के आए। और उपेश को जांच कराना था क्योंकि उसको बीएचयू में मतलब उसका ट्रीटमेंट चलता है, तो उसको दिखाने के लिए उसका CBC जाँच होने वाला था, तो वही मैं रुपेश से पूछ रही थी कि रुपेश तुम्हारा जाँच हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी नहीं गए हस्बैंड, अभी खाना खा लेंगे मतलब वही लंच कर लेंगे, तो उसके बाद से फिर ले जाएंगे दोनों को जांच कराएंगे, क्योंकि छवि का भी एक बार हम देखें कि मतलब क्या है उसका। ये रूटीन चेकअप हो जाता है इससे कि बच्चों के अंदर मतलब ब्लड कितना है, TLC और प्लेटलेट कितना है, ये सब पता चल जाता है। तो अभी मैं लगा देती हूँ हस्बैंड का लंच, यानी वो नहा के आ चुके हैं तो उनका लंच लगा देती हूँ थाली उनका। और मैंने अभी प्याज का सलाद काट लिया है, तो ज़्यादा कुछ तो नहीं मैं बना पा रही हूँ इस समय, तबीयत खराब होने से जो बन जा रहा है बस बहुत है, ज़्यादा कुछ नहीं बन पा रहा है। तो आज मैंने बनाया था मटर का दाल मतलब निमोना टाइप का, और प्याज का सलाद, सादा चावल, सादी रोटी, बस आज के लंच में हमारे यही था। तो आप सभी को ये ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो अभी थाली लग गई है, देख सकते हो आज है हमारे लंच में ये,
और फिर उसके बाद सभी को लंच कराने के बाद मैं बच्चों का मतलब वही एग्ज़ाम है तो थोड़ा उन लोग का इंग्लिश का था तो वही रिवीजन करवा रही थी। रुपेश अपना कर रहा था, छवि का तो मैं ले रही थी। हमारा लंच हो गया है, हस्बैंड ने भी लंच कर लिया है और बच्चों को भी मैंने लंच करा दिया है। वो अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं कल के एग्ज़ाम का, तो अभी वो पढ़ रहे थे। अभी मैंने छवि को थोड़ा होमवर्क दिया है करने के लिए और कुछ उसका मतलब अभी मैं सुन रही थी, उसका इंग्लिश का कल एग्ज़ाम है तो थोड़ा मैंने अभी सुन लिया, थोड़ा उसको दिया है कि अभी लर्न करो, तब तक मैं आप लोग से बातें कर लेती हूँ कि वो जब तक लर्न करेगी। तो मैंने सोचा कि ब्लॉग को एंड कर दूँ क्योंकि एंडिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है ब्लॉग का। तो अभी मतलब सारे काम मेरे हो गए हैं, जैसा कि मैंने सारा बर्तन भी क्लीन कर लिया है, बस झाड़ू वगैरह शाम को लगाना है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये मेरा ब्लॉग आप सभी को जड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी वीडियो पे जाइए, मेरे सभी वीडियो को लाइक करिए, लाइक बहुत कम आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मतलब मिलते रहें। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।